हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। अलजेब्रा का जनरल क्वेश्चन है डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 17 इन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 18। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। एक्स की पावर 17 का जो कोफिशिएंट फाइंड करना है ना, इनके प्रोडक्ट्स में फाइंड करना है। किनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 18 तक। इसमें मीन्स इसमें जो फैक्टर्स है ना, इसमें टोटल 18 फैक्टर्स होंगे। तो पहली बात कि अगर आपने क्वेश्चन अब तक ट्राई नहीं किया होगा तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ओके, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या है, इसके लिए पहले फंडामेंटल समझना क्या है कि अगर मान लो इस टाइप में कोई क्वेश्चन आ जाना है जब बहुत सारे आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और किसी का भी कोफिशिएंट फाइंड करना है, एक बात पहले चेक कर लो कि फाइनली ओवरऑल जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे ना, तो जो मैक्सिमम पावर फाइनली क्या आ रही होगी, जो भी आपका जो पॉलिनोमियल बन रहा होगा। अब ऐसे समझो कि आप इसमें 18 फैक्टर्स हैं टोटल, तो इसका मतलब आप इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो फाइनली एक्स भी तो आपका 18 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसका मतलब हो गया कि इस केस में आपका जो एक्सप्रेशन होगा ना, एक्स की पावर 18 आ रहा होगा और इसका जो कोफिशिएंट आ रहा होगा, जैसे 1 1 1 1 सब में चल रहा होगा, तो 1 इंटू एक्स की पावर 18 प्लस समथिंग इंटू एक्स की पावर 17 प्लस समथिंग इंटू एक्स की पावर 16, फाइनल लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म आपका आ रहा होगा। कॉन्स्टेंट टर्म यही हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 18 हो जाएगा। अब आपको इसमें जो फाइंड करना है ना, एक्स की पावर 17 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब इसके लिए ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बस आपको सिंपल कुछ बातें ऑब्जर्व करनी है। किस टाइप की बातें? पहले इसमें आप पैटर्न समझो कि क्या चल रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लो पैटर्न कैसे समझना बता रहा हूँ। अब सपोज दैट मैं आपसे कह दूं कि सिंपल हमारे पास दो ही फैक्टर हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, आप इनको मल्टीप्लाई करो। अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, बी एक्स आ रहा होगा, ए एक्स आ रहा होगा। मीन्स इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसी टाइप का आ रहा होगा, ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी आ रहा होगा, ठीक। अच्छा, अब अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आ रहा होगा, ठीक। अब दो रास्ते मल्टीप्लाई करने के, या तो आप जैसे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी लिख लो, उसके बाद फिर एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दो। बस हमारा जो मेन टारगेट है ना कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ गया, तो इनका सम आ गया, ए प्लस बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी एंड सी लिखे हुए हैं। अब ध्यान से समझना है, अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा ना, वो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब इसको समझने के दो लॉजिक है, प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ रहा होगा, ठीक है। अब इनको समझने के दो लॉजिक कैसे हैं। एक लॉजिक तो है कि अगर आप से मैं कह दूं कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर आप जीरो लिखो तो इस पॉलिनोमियल के रूट माइनस ए माइनस बी माइनस सी होंगे। अब समाप्त रूट की बात करोगे तो समाप्त रूट्स की बात करोगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी होंगे। तो अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, अगर ए प्लस बी प्लस सी लिखा होगा ना, तभी आपका जो सम ऑफ रूट्स है वो माइनस ए माइनस बी माइनस सी आ रहा होगा, ठीक। अदरवाइज अगर आपके दिमाग इतना नहीं चल रहा है कि सम ऑफ रूट अगर हम नहीं फाइंड कर पा रहे तो कुछ नहीं करना है। सिंपली जैसे मैंने इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, एक पैटर्न हमें दिख गया कि एक्स का जो कोफिशियंट, एक्स का मतलब जो हाईएस्ट पावर है उससे एक कम, इसका जो कोफिशियंट आ रहा है बेसिकली ए प्लस बी आ रहा है, ठीक। ऐसे एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी लिख रहे हो तो एक्स क्यूब आ रहा होगा, फिर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट आ रहा है वो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ऐसे ही अगर आप एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी लिखोगे तो एक्स की हाइस्ट पावर 4 आएगी और जो एक्स क्यूब का कोफिशियंट आएगा वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ भी तो यही चल रहा होगा कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 18 फैक्टर हैं तो एक 18 टाइम्स आ गया, हाइस्ट पावर हमारी 18 होगी, अब उससे एक फैक्टर हमारा कम 17 आ रहा होगा। जो एक्स की पावर 17 का कोफिशियंट है ना, ये सिंपली आपका यही आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 18 आ जाएगा। अब मालूम है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आप पढ़ते हो फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, तो इस केस में आपका हो जाएगा 18 इंटू 18 प्लस 1/2, 2 से कैंसिल हो रहा होगा, 9 इंटू 19 सिंपली हो जाएगा 171। तो ये क्वेश्चन जो था ना, बेसिकली दो फैक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से पैटर्न लिखो, थ्री फैक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वहां से पैटर्न लिखो, तो एक्स पावर 17 का जो कोफिशियंट आ रहा होगा बेसिकली इनका सम आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ जिनका भी डाउट जो भी रहा होगा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।